अस्सलाम वालेकुम। आज ठाट खमाज का राग खमाज करते हैं मैथ के जरिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैथ में बहुत आसान तरीका है इसका। पहले इसकी आरोह करते हैं, इसकी अमरोही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका बता दूँ वादी संवादी। इसका वादी है गंधार जिसको कहते हैं गा, और संवादी है नी जिसको कहते हैं निखार। अब इसकी न्यूट्रिशन कर लेते हैं रियाजी के जरिए, बाद में फिर मैं आपको इसकी शक्ल भी बता दूंगा। एक, पांच, छ, आठ, दस, ग्यारह, तेरह। ये थी आरोह। अब इसकी अमरोही करते हैं। तेरह, ग्यारह, दस, आठ, छ, पांच, तीन, एक। ये होगा इसका मैथ के जरिए। अब मैं इसकी नोटेशन आपको पढ़ के दिखाता हूँ। सरगम इसकी यानी क्या, सा गा मा पा धा नी सा। ये हो गई इसकी आरोह। अब इसकी अमरोही करते हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा। ये इसकी हो गई आरोह अमरोही। अब इसको कंटिन्यू करके इसकी सरगम आपको बताता हूँ मैं। सा गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। ये इसकी सरगम हो गई। अब वो कंटिन्यू आपको मैं करके दिखाता हूँ रियाजी में मैथ में। एक, पांच, छ, आठ, दस, ग्यारह, तेरह। तेरह, ग्यारह, दस, आठ, छ, पांच, तीन, एक। ये हो गई इसकी आरोह अमरोही मैथ में। अब इसको दूसरे काल से करते हैं। एक, पांच, छ, आठ, दस, ग्यारह, तेरह। आरोह अब अमरोही। तेरह, ग्यारह, दस, आठ, छ, पांच, तीन, एक। ये आपका राग खमाज हो गया है ठाट भी। जी, मैंने आपको इसका ठाट भी बता दिया है, राग भी बता दिया है, वाली समाज भी बताया है। थोड़ा सा इसको आपको पेश करता हूँ। जी फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।